नमस्कार। कुछ इंसल्ट ऐसी होती है ना कि दिल में छप जाती है और उससे इतिहास बनता है। आपके साथ में लोग कोई लोग आपके इंसल्ट करते हो तो आप क्या करते हो, इधर से सुन के इधर निकाल देते हो। तो उस इंसल्ट का क्या मतलब रहा? अगर कोई आपके इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको नकारा, कोई आपको निकम्मा, कोई आपको असफलता का उदाहरण दे रहा है ना, तो उस इंसल्ट को यहां निकाल के ऐसे मत करो, उस इंसल्ट को यहां छापो अपने दिल पर और रात दिन 24 घंटे एक संकल्प लो कि जिस इंसान ने मेरी इंसल्ट की है ना, उसको मैं कुछ न कुछ करके बताऊंगा। तो यह होता है इंसल्ट का जवाब देना। ये नहीं है किसी ने आपको अपमान किया, किसी ने आपका इंसल्ट की है और आप उससे लड़ाई करने चले गए, तूने मेरे को इंसल्ट कैसे कर दिया, तूने मेरे को अपमान कैसे कर दिया, तूने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया। ऐसे कभी मत करना। किसी ने भी आपकी इंसल्ट किया, किसी ने भी आपका अपमान किया तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा करके उसको जवाब दो कि वो जिंदगी भर पछताए, वो रिग्रेट करे कि यार मैंने किससे पंगा ले लिया था, किसकी इंसल्ट कर दी थी, किसका अपमान कर दिया था। यह होता है कोई आपकी इंसल्ट करे तो उसको अपने दिल पर लेना। और उसका जवाब कैसे दिया जाता है पता है आपको? रतन टाटा और फोर्ड की कहानी आपने सुनी होगी। जब 1999 में रतन टाटा एक स्वदेशी कार इंडिका लेके आया और वह कार नहीं चली मार्केट, उससे पहले उनके टाटा सफारी और सुमो और दो तीन ब्रांड और चल रहे थे मार्केट में, लेकिन उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कंपनी कार बिजनेस उनका नुकसान में चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यार इस कार बिजनेस को बेच देते हैं। तो उन्होंने फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड से मीटिंग की। तो बिल फोर्ड ने क्या कहा पता आपको? रतन टाटा को एक ही बात कही, जब आपको कार बनाने का नॉलेज नहीं था तो फिर आप कार के बिजनेस में उतरे क्यों, और हम आपका एक कार बिजनेस खरीद कर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को यह बात बोली। उस वक्त रतन टाटा ने एक इंसल्ट फील की, एक अपमान फील महसूस किया। यह नहीं किया कि इधर सुन के इधर निकाल दिया, अरे वाह यार कहा होगा, अपन किसी दूसरे को बेचेंगे यार, और बहुत सारे मिलने वाले हो जाएंगे, कार खरीदने वाले प्लांट को खरीद दूसरों को बेच दें। नहीं, टाटा ने ऐसा नहीं किया। टाटा ने वो इंसल्ट अपने दिल पर छापी और महसूस किया कि क्या वाकई में हम कार नहीं बना सकते हैं? क्या भारत के बिजनेसमैन ऐसे हैं कि कार में सफल नहीं हो सकते हैं? यह बात उनके दिल में चुभ गई। और जब यह बात उनके दिल में चुभी तो इतिहास बन गई। और जब कहते हैं ना कि समय करवट लेता है, 2008 में चारों तरफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक मंदी आई, फोर्ड कंपनी दिवालिया हो गई, उसका एक ब्रांड जगुआर लैंड रोवर रतन टाटा ने खरीदने की पेशकश की। और उसी बिल फोर्ड ने जब रतन टाटा को कहा था ना कि हम आपका एहसान कर रहे हैं, तो रतन टाटा ने जब जगुआर लैंड रोवर को खरीदा ना, तो बिल फोर्ड को यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारी ये कार खरीद, ये तुम्हारा ब्रांड खरीद कर तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूं। ये देखिए रतन टाटा की इंसानियत, इसे कहते हैं रतन टाटा। उन्होंने खुद ने कहा था बिल फोर्ड ने आगे चलकर कि आप हमारा ये ब्रांड खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हो। देखिए समय का पलड़ा बारीक कब होता है। और जो ब्रांड नुकसान में चल रहा था ना, उसी ब्रांड को भारत में लाकर रतन टाटा ने जगुआर लैंड रोवर को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया। और एक टाइम था कि रतन टाटा के कार का बिजनेस बिल्कुल लो था, आज प्रेजेंट टाइम 2022 में सबसे सेकंड नंबर पूरे भारत में ज़्यादा बिकने वाली कार है टाटा मोटर्स। नंबर वन मारुति है, सेकंड सबसे ज़्यादा अगर कारें बिकती है तो टाटा मोटर्स की कारें बिकती है। और फिर वापस पलड़ा हुआ अभी 2022 में लेटेस्ट, जब फोर्ड कंपनी ने अपना सारा बिजनेस भारत में बंद करने का फैसला किया, तब वो गुजरात के साणंद प्लांट को बेचने की कोशिश कर रही थी, कोई आगे नहीं आ रहा था। उस वक्त भी रतन टाटा ने उस प्लांट को खरीदा और उन्होंने बिल फोर्ड ने वापस कहा कि रतन टाटा आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया।
तो ये होती है इंसल्ट का जवाब। अगर उस वक्त रतन टाटा के अगर इंसल्ट हुई तो उस वक्त क्या वो बिल फोर्ड को भला बुरा कहते, अखबार में उनके लिए गलत भला बुरा छापते? नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने अपनी कमजोरी देखी कि वाकई में हम कार का बिजनेस नहीं कर सकते, तो उन्होंने उस कमजोरी को दूर किया और उस इंसल्ट को अपने दिल पर छापी और इतिहास बनाया। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपके ऊपर भी तो लोग हंसते होंगे, आपने भी तरह तरह के बिजनेस किए होंगे, लोग खूब हंसे होंगे, लोगों ने खूब आपके ऊपर मजाक उड़ाई होगी, तो क्या उस मजाक को आपने दिल पे लिया? नहीं, आपने तो इधर सुना और इधर निकाल दिया। तो फिर उस इंसल्ट का क्या मतलब निकला? जब भी कोई आपकी इंसल्ट करे, जब भी कोई आपका अपमान करे, तो देखना कि वो किस कारण से आपका अपमान कर रहा है, किस कारण से आपकी इंसल्ट कर रहा है। जिस कारण से आपकी इंसल्ट करे ना, उस कारण को ऐसा दूर करना कि इतिहास बन जाए और वही व्यक्ति वापिस आपसे कहेगी मैंने गलती की। वो आपकी इंसल्ट करे, आपके अपमान करे, तो लड़ाई करने मत चला जाना, क्योंकि यही तो बड़प्पन होता है। बस उसे कुछ करके दिखाना और ऐसा दिखाना कि दुनिया देखे और देखती रह जाए, और आपसे जलने वाले, आपसे इंसल्ट करने वाले, आपका अपमान करने वाले देखते रह जाए, और वही दोबारा आपके पास आकर बोले कि गलती हो गई हमसे। तो कुछ ऐसा करना जीवन में, जब भी इंसल्ट हो आपकी, तो बस दिल में छापना उस इंसल्ट को और इतिहास बनाना, दुनिया देखती रह जाएगी।